उद्रौला बलरामपुर में इफ्तार पार्टी का हुआ आयोजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ प्रियंका रावत। उद्रौला 293 विधानसभा बलरामपुर जनवादी पार्टी सोशलिस्ट गठबंधन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रहे हसीब खान ने दिनांक 22/4/2022 को रोजा इफ्तार पार्टी मसूदिया पार्क राजा बाजार में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। आपको बता दें कि रोजेदार इस इफ्तार पार्टी में हजारों की संख्या में शामिल हुए। उन्होंने कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्होंने दिवाली में मिठाइयां बांटी थी और अब रमजान के महीने में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया है। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी बात अखिलेश यादव जी से हुई है और उन्होंने कहा है कि वे जानते हैं कि कौन विधायक पार्टी के अंदर क्या क्या कर रहा है और टिकट देते समय वो ये सब बातें याद रखेंगे। डॉक्टर सल्लू रैनी, अल्ताफ सभासद, इब्रार खान, रिजवान सभासद, अंसार भाई, इजाज मलिक, नागर दादा, तस्लीम आलम रैनी, मोहम्मद साकिब रैनी, डॉक्टर डब्बू भाई, फिरोज खान, अख्तर अली, अनवार भाई, आरिफ भाई, जिलानी रैनी, शकील खान आदि इफ्तार पार्टी में हजारों की संख्या में शामिल हुए। प्राइम न्यूज 24 के लिए देवी पाटन मंडल हकीम आजाद की रिपोर्ट। ये प्रोग्राम है, देखिए ये प्रोग्राम एक धार्मिक प्रोग्राम है, रमजान चल रहा है हमारा। जैसे कि पिछले पहले भी जब मैं आया था क्षेत्र में उस टाइम पे दीपावली चल रहा था, लोगों में मैंने मिठाइयाँ बांटी। तो अब जैसे हमारे हिंदू भाइयों का त्यौहार था, हमने दीपावली में मिठाइयाँ बांटी। अब हमारे मुसलमान भाइयों का रमजान चल रहा है, पवित्र महीना है, तो इसमें भी इफ्तार का प्रोग्राम कर रहे हैं। हमारे लिए हिंदू मुसलमान सब एक समान हैं। जिन्होंने हमको वोट दिया वो भी, उन्होंने नहीं दिया वो भी, सब हमारे अपने हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि जैसे चुनाव आदमी हारने के बाद में मैदान से काफ़ी लोग सब गायब हो चुके हैं, ऐसे में आप अपनी जनता के बीच लगातार उपस्थिति बना के रखे हैं, क्या कहेंगे आप इसमें? देखिए, लगातार उपस्थिति बनाने का मतलब नहीं, कोई चुनाव तो है नहीं अभी, लोगों के बीच में सबसे मिल रहा हूँ। जब मैं चुनाव में आया था तो मेरे पास समय बहुत कम था, मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ जिनसे नहीं मिल पाया, अब मिल रहा हूँ। चुनाव अलग चीज़ है, लेकिन जब राजनीति में आया हूँ तो लोगों से मिलना जुलना जरूरी है। अब मेरे पास काफ़ी समय है, जहाँ जहाँ जा पा रहा हूँ, जब मैं लखनऊ से आता हूँ मैं 2-3 दिन क्षेत्र में अपने रहता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, उसी प्रकार से मिल रहा हूँ लोगों से। इतना आप बढ़िया वोट पाने के बाद में आप हार गए, आपको किसने मतलब वोट दिया, किसने नहीं दिया? गलत, जिसने जिसने दिया वो भी हमारे अपने हैं, जिसने नहीं दिया वो भी हमारे हैं। लेकिन रही बात पार्टी के अंदर, कुछ लोगों ने ऐसा किया, कुछ लोग यहाँ पे, उत्तरोला छोटा सा एक विधानसभा है जो, वो यहाँ पे कोई या तो विधायक हैं या छोटे मोटे नेता हैं, वो अपने आप को इतना होशियार समझते हैं कि हम राजनीति कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता कि माननीय अखिलेश यादव जी पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और एक मुख्यमंत्री के बेटे हैं, तो वो हर चीज़ समझते हैं कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। पिछले दिनों मेरी बात भी हुई, उन्होंने कहा अभी हम कुछ नहीं कहेंगे, समय आने दीजिए टिकट का, तो हम बताएंगे कि पार्टी के साथ किस तरह से किसने पार्टी के ऊपर दावेदारी किया है, उसके साथ पार्टी भी वही शुरू करेगी। अगली दावेदारी के बारे में आप क्या मानते हैं कि कौन दावेदार हो सकता है? सभी दावेदार हैं। माननीय अखिलेश यादव जी से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा सभी दावेदार हैं और सभी को मेहनत करने दो, लेकिन पार्टी के साथ जिसने जो किया है वो मैं भली भांति जानता हूँ। जब चुनाव के टाइम टिकट का टाइम आएगा तब मैं उनके साथ वही सलूक करूँगा जिन्होंने पार्टी में रह के पार्टी के साथ किया है।